इस और ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें। यदि बात पैसे देने की है, जमीन बेच के पैसे देने की है, तो आप दीजिए ना सरकारी खजाने से, क्योंकि सरकारी खजाने में भी तो पीएसीएल की पूरी प्रॉपर्टी रखी हुई है। बात वैल्यूएशन की है तो उसके लिए सार्वर कम होता है क्या? आप वैल्यूएशन तुरंत करवाइए और अपने सरकारी फंड से दीजिए पैसा, और वो उस पूरी प्रॉपर्टी को बेचते रहिए आप अपने सरकारी नियमों के हिसाब से। अभी जब कार बिक्री हुई, पीएसीएल की कार नीलामी हुई थी 4-5 महीने पहले, 50 करोड़ रुपए की कारें बिकी हैं 30 बोलने के लिए। ये समझ में नहीं आता, 200 करोड़ रुपए की कार वो 50 करोड़ में कैसे बिक गई? अभी क्या ऐसे क्या 25% पैसे में पूरा इंडिया का जो पीएसएल की प्रॉपर्टी है वो 25% पैसे में बेची जाएगी क्या नीलामी में? ठीक है, हम गरीब हैं, हम नहीं खरीद सकते उसको, लेकिन जो नीलामी में जो कम से कम ऐसा रेट तो तय किया जाए जिससे लोगों का पैसा वापस हो। पता चल रहा है 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी कभी चिल्लाते थे हमारे जो सीईओ हैं वो, और कुछ न्यूज़ वाले भी निकालते थे उस टाइम पे, वो 2 लाख करोड़ का पता चल रहा है कि लोगों का मूल ही पूरा ना हो। आज ये मान के चलिए कि पिछले 1-1.5 साल से मैं माननीय जो लोधा कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने पीएसएल की पेमेंट के लिए नियुक्त की है, उन्होंने आज तक ये तक नहीं बताया कि पीएसएल की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है। और वो लोगों को जो 6-7 करोड़ जो लोग हैं उनको उनका पैसा उनका मूल देंगे, या जैसा कंपनी से बोला था कि आप ब्याज सहित कस्टमर का पैसा लौटाइए, वैसा वो देंगे, ब्याज सहित पैसा देंगे, ये आज तक क्लियर नहीं किया। इतनी बात क्लियर करने के लिए तो शायद एक 15-20 मीडिया वालों को बुला के शायद माननीय जज साहब ऐसा बोल सकते थे या कह सकते थे या सेबी बोल सकती थी, लेकिन नहीं, आज तक कुछ भी नहीं। सब कुछ गुंड मुंड अंदर ही अंदर, पता नहीं क्या पिछड़ी बकरा है जिसको कोई भी आदमी बाहर अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। तो मैं एक बार और अपने आंसुओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें, ये बहुत बड़ा मामला है, इसको ऐसे सालों के लिए न छोड़ें, लाखों लोग मर जाएंगे, उसके बाद पैसा यदि उनको मिलेगा भी तो किस काम का। धन्यवाद।